दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज सिंह श्रीनिवासी से स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों हमारे पास एमपी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से दो सैंपल आए हुए हैं, तो उसका मैं टी टेस्टिंग करने जा रहा हूं। दोस्तों हमारे क्लाइंट हैं मोहम्मद राशिद जी, जिन्होंने ये सैंपल भेजा है, उनको इस तरह की चाय चाहिए दोस्तों। तो पहला जो है इन्होंने एक छोटा पाउच में भेजा है, तो उसका पहले हम लोग दाने का अपीयरेंस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये ओएफ ग्रेड में है, डूअर्स का दाना दिख रहा है मुझे, ओएफ में है, ब्लैकिश में है, ज़रा सा ब्राउनिश शेड में है, भूरे में। उसके बाद ये दूसरा जो चाय है दोस्तों, ये देख लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों इलायची चाय है, ज़रा सा इसमें इलायची का एसेंस डाला हुआ है, और ये बीपी और ओएफ कट में है। ओके दोस्तों, 50-50 बीपी और ओएफ कटिंग में ये ब्लेंड है दोस्तों। तो ये जो चाय है दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर बारीक दाने में चल रही है। ओके, तो अभी हम लोग जो है लीकर देख लेते हैं पहले। तो ये जो ओएफ वाला है लीकर काफ़ी अच्छा आया दोस्तों, कलरफुल आया है, ब्राइट एकदम गाढ़ा लीकर है। उसके बाद जो इलायची वाला है थोड़ा सा हल्का लाइट है, बट इसमें भी कलर काफ़ी अच्छा आया है। और इन्फ्यूज़न की बात करें तो इन्फ्यूज़न दोस्तों कॉपरी नहीं है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ब्लैकिश में है। ठीक है, अभी हम टेस्ट करते हैं बारी बारी से लीकर का। स्ट्रांग है दोस्तों, स्ट्रांग चाय चल रही है वहाँ, कड़क। बहुत अच्छी चाय दोस्तों, इलायची में भी अच्छा फ्लेवर आ रहा है और साथ में स्ट्रांग भी है, कड़क है चाय। तो वहाँ जबलपुर में दोस्तों कड़क चाय चल रही है, अच्छा स्वाद भी आ रहा है साथ में, और इस जो इलायची वाली है इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। जी हाँ, कलर भी बहुत अच्छा है दूध डालने के बाद। ये वाला काफ़ी गोल्डन टोन में है, ओएफ वाला जो है बहुत बढ़िया है दोस्तों। अभी मैं दूध डालने के बाद टेस्ट कर लूँ एक बार। काफ़ी अच्छा स्वाद दोस्तों, गाढ़ापन भी है, स्वाद भी है, कड़क भी है, बहुत अच्छा है। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों इसमें। ये जो चाय है हल्की सी रेडी स्टोन में आई है, लेकिन ये वाली जो है गोल्डन टोन में काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह का चाय उनको चाहिए, मिनिमम से मिनिमम रेंज में उनका कहना है 160 से 170 के रेंज में। तो हम लोग इसका ब्लेंड तैयार करेंगे और आपके साथ उसका भी वीडियो शेयर करेंगे। ओके दोस्तों नमस्कार।